हाई कोर्ट इंग्लिश पर एग्जाम हो रही, अभी भी कोई फिक्स नहीं है हमारा कि फोर्थ ईयर कब होंगे, उसके बाद कब हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा। नहीं, अभी कोई फिक्स नहीं इसका, पता नहीं कब होगा, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोई यूनिवर्सिटी पे भरोसा उठ गया हमारा। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, अब CBI ऐसी काम कर रही है तो भरोसा किस पे? मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले को लेकर CBI जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले उन छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है जो दाखिला तो ले चुके लेकिन उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही, और जो परीक्षा दे रहे हैं उनको इस बात का पता नहीं है कि CBI की जांच रिपोर्ट के बाद क्या उनकी परीक्षा को मान्य किया जाएगा, क्या दोबारा से पूरे घोटाले की जांच की जाएगी। छात्रों के लिए मुश्किल है, जो कोर्स 4 से 5 साल के अंदर होना था, कितने साल में, चार साल में होना था, उसको 5 साल होने को है, लेकिन अभी भी छात्र इस पशोपेश में है कि क्या उनके नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। ऐसे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आप लोगों ने जब दाखिला लिया तो कौन से ईयर में लिया और अब क्या स्थिति है? हमने एडमिशन लिया था 2019 अगस्त में, अब देखो आप 24 चल रहा है। कितने साल का कोर्स होता है नर्सिंग? ये 4 साल का होता है, सेशन तो खत्म हो गया हमारा कॉलेज का, तो इसमें कॉलेज भी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी। कॉलेज वालों ने उनका काम कर दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया, उन्होंने फीस भी ले ली हमसे 4 साल की। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी में जो घोटाले चल रहे हैं, अभी जैसे कि अभी ये घोटाला हो गया, इससे पहले जो ये हमारी अभी 3rd एग्जाम चल रही है, ये एग्जाम होने वाली थी आज से 1.5 साल पहले, 1.5 साल डिले हो गए, 1.5 साल डिले हो गए। अब अभी भी हाई कोर्ट के निर्देश पर ही परीक्षा हो रही है ना? हाँ, अभी हाई कोर्ट के निर्देश पर एग्जाम हो रही, अभी भी कोई फिक्स नहीं है हमारा कि फोर्थ ईयर कब होंगे, उसके बाद कब हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज है हम भी। एक मेंटली जो प्रेशर है ना वो है हमारे ऊपर भी। अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे पास क्या है, कोई है ही नहीं, मतलब वजूद ही नहीं हमारा जो हमें हॉस्पिटल में रखे, जाए तो वही 4,000-5,000 जिसमें 12-12 घंटे इंटर्नशिप नहीं हो पा रही होगी, 12-12 घंटे ड्यूटी कौन करेगा 5,000-5,000 रुपये, आप बताओ, पढ़ाई नहीं कर सकते। कॉलेज से कोर्स पूरा करा दिया है क्या कॉलेज वालों? हाँ, कोर्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आप जिस नर्सिंग कॉलेज में मौजूद हैं तो क्या उसको लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं, वो सुटेबल है कॉलेज? कॉलेज है, लेकिन जो कॉलेज अनसुटेबल बताए गए हैं क्या उसके कारण आप लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है? हाँ, प्रभावित हो रही है, जैसे CBI जांच चल रही है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, और जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया हमारा, पहले एग्ज़ाम होने वाला था आज से 1.5 साल पहले, वो एग्ज़ाम हो नहीं पाया, यूनिवर्सिटी में घोटाला चल रहा है। अभी तो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ना? अभी एग्ज़ाम चल रहा है हमारा 3rd ईयर का, अब पता नहीं फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, 1.5 साल में होगा, 1 साल में होगा, अभी तक पता नहीं लगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला अब निपट जाएगा? नहीं, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नतीजे भी घोषित हो जाएंगे समय पर, इस बात की उम्मीद है कि कहीं अटक सकता है मामला? नहीं, अभी कोई फिक्स नहीं इसका, पता नहीं कब होगा, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोई यूनिवर्सिटी पर भरोसा उठ गया हमारा, 1.5 साल हो गए अभी, 1.5 साल मतलब 3। इसमें यूनिवर्सिटी का भी क्या दोष है, जो छात्र एडमिशन लिया, जो कॉलेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरते उन कॉलेजों को मान्यता दे दी गई, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज वालों की भी गलती है, आपको लगता है? इसमें हम कैसे बोल सकते हैं, हमारा कॉलेज तो सुटेबल है, आपका सुटेबल है। अगर हम सामने वाले को कुछ अगर लालच ना दे, अगर सामने वाला, अगर हम आपको घूस दे रहे हैं, अगर आप ना लो तो हम आपको कैसे देंगे? कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, अब CBI ऐसी काम कर रही है तो भरोसा किस पे कर सकते हैं? आप लोग तो चलो ठीक है, सुटेबल कॉलेज से आते हैं उसकी मान्यता है, लेकिन वो छात्र जो अनसुटेबल कॉलेजों में जिन्होंने दाखिला ले लिया था, आपको लगता है कि आप में से कोई है क्या उस कॉलेज का? कोई नहीं हमारे में से, तो लेकिन आप लोगों से मिलते जुलते कोई छात्र? हाँ, मिलते जुलते छात्र हैं ना, जैसे मलय कॉलेज का भी प्रॉब्लम प्रोपेगेंडा आया है सामने, तो बहुत सारे छात्र हैं जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, अगर यही चीज़ 10 दिन पहले हुई होती तो उनका जाहिर सी बात है एग्जाम कैंसिल हो जाता। कई बार हुई है ऐसी चीज़ें, मैं GNM का छात्र हूँ, मेरा तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, मैं BCS का बैच का हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम भी डिले है। जैसे हमारा बैच कंप्लीट सेशन हो जाएगा अक्टूबर 2024 में, तो हमारा अगर नियम के अनुसार 4-5 महीने डिले कोई दिक्कत नहीं, 24 में क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ तो 1 साल डिले हुआ एग्जाम में, तो एग्जाम 1 साल डिले हुआ, फिर उसका रिजल्ट 9 महीने बाद आया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, अभी तो 3rd ईयर का चल रहा है। अब बच्चा 3rd ईयर पढ़े कि 2nd ईयर पढ़े, हमारा तो खैर सही है, हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उनका, जैसे वो 4th ईयर में आ गए थे, उनका अभी 1st ईयर का एग्जाम हो रहा है, वो कैसे पढ़ेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे? अब रही बात जहां तक कॉलेजों की, तो हमारा कॉलेज तो सुटेबल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है इसमें। अगर जो कॉलेज इफेक्टेड हो रही है तो उनके वजह से हमें प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सारे तो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से सब रिलेटेड एक ही से बिलोंग करते हैं, अगर उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो हमें पे इफेक्ट पड़ेगा, एग्जाम टाइम पे नहीं होंगे, हम जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं
तो हमें घर जाना है, तो कहीं कंप्लीट करके यहाँ क्या करेंगे? जैसे डिग्री नहीं रहेगी मेरे पास, तो यहाँ 4,000-5,000 हॉस्पिटल वाले देते हैं, वो भी तेज हैं, एक महीने काम करवाएंगे, फिर बोलेंगे आपका काम अच्छा नहीं लगा, आपको भगा देंगे, और उनका भी एक महीने का चल गया, सब क्लियर हो गया, उनका प्रॉब्लम्स है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आपने भी जब नर्सिंग में दाखिला लिया होगा तो कुछ सोच समझ के दाखिला लिया होगा ना, अब आपको लग रहा है कि सही कदम था आपका? जी हमने तो सोच समझ के लिया था और सही कदम के लिए लिया था, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी के जो चल रहा है सारा घोटाला, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में, ये सब गवर्नमेंट करवाती है। हमने तो अच्छे के लिए लिया था, हमने तो अच्छे के लिए लिया था कि हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए टाइम पे, लेकिन अभी बहुत सारे हमें फाइनेंशियली कंडीशन जो है फेस करनी पड़ रही है, घर वाले पैसे नहीं डालते क्योंकि हम ऑलरेडी 4 साल हो गए। कितना समय हो गया आपको? हमें 5 साल होने वाले, अभी हमारा सेकंड ईयर ही कम्प्लीट हो पाया। 5 साल में सेकंड ईयर कम्प्लीट हो पाया? हाँ, अभी थर्ड ईयर का एग्जाम अभी दे रहे, अभी कुछ कन्फर्म नहीं कब रिजल्ट आएगा, हमारा सेशन बहुत काफी लेट चल रहा है। फोर्थ सेशन होते हैं अभी, हाँ अभी हमारा थर्ड ईयर का एग्जाम चल रहा है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं कब रिजल्ट आएंगे और आगे कुछ क्या होगा। अच्छा, उम्र बढ़ती जा रही है और आप लोग की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, तो चिंताएं तो बढ़ रही हैं। चिंताएं बढ़ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, घर वाले पैसे नहीं देते अब क्योंकि काफी टाइम हम हो गए, 5 साल ऑलरेडी हो चुके, अभी आधे सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, अभी कुछ कंफर्म नहीं क्या होना है आगे, और घोटाले चल रहे, सीबीआई भी ऐसे ही चल रहा है उसमें। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लगता है कि जब दोबारा जांच होगी तो और ज्यादा प्रभावित हो सकता है आप लोगों की पढ़ाई पर भी और ज्यादा असर डाल? बिल्कुल, हमारा डिले हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्लियर अगर इन सब चीजों का क्लियरिफिकेशन देता है तो हमारा एग्जाम हो पाया, वरना हो ही नहीं रहा, अभी तक भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के साथ ही कहा जा रहा है कि उन कॉलेजों की भी परीक्षा आयोजित करा ली गई जो जिनको सुटेबल तो बता दिया गया था लेकिन वाकई में वो मापदंडों पे खरा नहीं उतरते थे, तो ये आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए भी मुश्किल खड़े करेगा जो पूरा सीबीआई की जांच है, यदि वो गलत हुई है तो आप लोगों पर भी प्रभाव डालेगी वो? बिल्कुल डालेगी, हमारे बिल्कुल यूनिवर्सिटी में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी क्या होना है आगे कुछ कन्फर्म नहीं है, अभी सीबीआई में भी ऐसे ही रिश्वतखोर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अभी तो अभी कुछ कंफर्म नहीं क्या होना है। आप आ जाओ, आप भी कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? मैं सर, मैं फर्स्ट ईयर। अच्छा, और फर्स्ट ईयर का अब जाके एग्जाम हो रहा है सर, 4 साल हो गए हम, 4 साल हो गए। यस सर, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन में 2021 में 3-4 सालों से एग्जाम ही नहीं हुआ। यस सर, बीएससी नर्सिंग में हमने 2021 में एडमिशन लिया था सर, वो अभी एग्जाम हो रहे हैं हमारे। और तब आप कब तक पूरी कर पाओगे नर्सिंग की पढ़ाई, क्या लग रहा है? अब वही सर, 28-29 तक जाएंगे इसके हिसाब से देखा। दस साल लग जाएंगे। हाँ, 10 साल लग जाएगा, MBBS है वो, BHMS का कोर्स हो जाएगा पूरा, वो इधर आर्थिक स्थिति। अच्छा, सीबीआई जांच के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, जो जांच चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है? बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है सर इसमें, सर ये सर हमारे बहुत भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, भरोसा ही उठ गया नर्सिंग से सर, अब क्या कर रहे हैं, हमारे जूनियर और का बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है, उनकी भी एग्जाम नहीं हो रही टाइम से, हमारी नहीं हो रही सर, हमें 4 ईयर हो गया इधर, BSc नर्सिंग 4 साल का होता है, और बहुत तो नर्सिंग के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए मध्य प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो सीबीआई की जांच है वो सही तरीके से नहीं हुई, जो कॉलेज हैं अनसुटेबल कॉलेज हैं उनको मान्यता दे दी गई, उनमें परीक्षा आयोजित करा दी गई, और उसका असर उन छात्रों पर भी पड़ रहा है जो सालों से नर्सिंग की पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाने की कोशिश में थे, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से सीबीआई की जांच खुद सीबीआई के जांच के घेरे में आ गई है, ऐसे में इन छात्रों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि उनका कोर्स कब तक पूरा होगा, उनकी नर्सिंग की पढ़ाई कब तक पूरी होगी और कब उनको रोजगार मिल सकेगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।